एवरीवन, मैं अनुराधा शर्मा और इस समय आप मेरे स्टूडेंट के साथ हो और मैं पूछने वाली हूँ कि आखिर ये बनाए क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि ये क्या है? वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर से होता क्या है? हम लोग इससे डस्ट को क्लीन करते हैं। आप लोग इससे डस्ट को क्लीन करते हो, तो आखिर कैसे काम कर रहा है, कैसे डस्ट को क्लीन करते हैं इससे? अच्छा, मतलब जैसे आप स्ट्रॉ लगा के फ्रूटी को सक कर जाते हो, वैसे ही वैक्यूम क्लीनर जो है डस्ट को सक कर जाता है। अच्छा, तो आप इसको दिखाइए तो ज़रा, कैसे सक कर रहा है ये दिखाइए सबको। देखती हूँ कि कैसे आपका काम कर रहा है वैक्यूम क्लीनर। यहाँ पे आपने डस्ट कुछ रखा है और ये आपका वैक्यूम क्लीनर। चलिए स्टार्ट करिए। अच्छा, वाह, ये तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहा है, सारा डस्ट क्लीन करते जा रहा है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, रोकिए इसे। अच्छा, इसके अंदर ऐसा लगा क्या है जिससे ये डस्ट को सक कर दे रहा है? जानवी बताओ तो ज़रा, वैक्यूम क्लीनर के अंदर लगा क्या है? मैम, ये फैन, ये कागज का है, मगर वैक्यूम क्लीनर के अंदर हमने टिन का कैन यूज किया है और इसे हमें ऐसे काट लेना है। मतलब कैन का आपने सीट लिया है, उसको आपने पंखे की तरह बना दिया है, जैसे इस कागज को बनाई है। कैसे बनाई है दिखाइए जरा, ऐसे। अच्छा, इसको लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? मैम, काट देंगे ऐसे, उसके ऐसे काट देंगे, घुमाएंगे ऐसे, ऐसे घुमा देंगे। अच्छा, और इसे एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये हवा देगा। तो आप इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो क्या हो रहा है? एंटी क्लॉक वाइज घुमाने से क्या हो रहा है? मैम, एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो मैम ऊपर की तरफ हवा लेगा, नीचे की तरफ फूटेगा। अच्छा, जब आप इस फैन को एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो हवा ऊपर से ऊपर लेगा और नीचे की तरफ फेंकेगा। यस मैम। अच्छा, तो इसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है आर्यन, जरा बताना आखिर किस तरह ये फैन जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे हवा ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा है, आखिर कैसे? एक सेकंड दिखाना जरा, कैसे करेंगे? अच्छा, ऐसे करेंगे, फिर मैम ये इस गैप वाले ऊपर से हवा लेगा, नीचे से लेगा। अच्छा, रुकिए, गैप दिखाइए। अच्छा, ये जो आपका गैप है, ये गैप जो है यहाँ से जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो हवा ऊपर से लेगा और नीचे की तरफ फेंकेगा। अच्छा, मतलब कि उस हवा के साथ डस्ट घुल जाएंगे और ये जो वैक्यूम क्लीनर है आपका सक कर जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आप लोग का, ये तो वेरी गुड इसके लिए। और इसके बाद आप लोग नया अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, क्या आपने सोच लिया है कि नया प्रोजेक्ट क्या होगा? अच्छा, ठीक है, तो अगला प्रोजेक्ट आपका कब तक आएगा? दो हफ्ते में। अच्छा, तब तक क्या करा जाए? अच्छा, चलिए।